السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد المنان، عبد المنان ہے؟ present sir. عجبہ منال. yes sir. فلیدہ بشارت. Aliza Basharat. Okay, Aliza, is the Fawaz. I hear you can both come.
I am Abu Zar. Here, sir. Yeah, Lisa. ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने अली सर। अंसा याकूब, अंसा याकूब, अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सर अरशद, जी सर। अक्सर अभी तक आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ? नहीं सर, पता नहीं, मेल भी किया इतनी बार, अभी तक अनब्लॉक नहीं की। ये करवा लो, क्योंकि इसका ये नुकसान होता है, आपकी जो अटेंडेंस हो रही है इसमें ना ही प्रेजेंट होती है ना ही एब्सेंट होती है आप। जी सर, सर पता नहीं क्यों नहीं अनब्लॉक कर रहे। इशू क्या है सर पता नहीं कौन सा इशू है, फी भी पे की हुई है हमने, पेड फी वाउचर भी हमने उनको सेंड किया था, लेकिन पता नहीं। खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि मिनाही ने भी काफ़ी मेल्स की थी, तो उनका अगर यही रिस्पॉन्स था कि आप यूनिवर्सिटी आओ फिर आपका इश्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक दफ़ा चक्कर लगा लो यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी आकर इसके जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करवा लो। सर अभी तो इधर आए हैं। चलें जब भी टाइम लगता है, क्योंकि इसका बाद में नुकसान आपको ज़्यादा हो जाता है। जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कमर, कंबर, पिज़्ज़ा बेबी, प्रेजेंट सर, आदिया जैनब, प्रेजेंट सर, जवेदिया जावेद, प्रेजेंट सर, खदीजा हफीज, प्रेजेंट सर, किंजा फकीर, यस सर, कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर, मरियम महमूद, मरियम महमूद, मारवा आबिद, मारवा आबिद, प्रेजेंट सर, मरियम बीबी, प्रेजेंट सर, मिनाहिल फातिमा, मिनाहिल आपका भी कोई इशू है? मोस्टली चांस होते हैं फीस वगैरह का, यानी कि इशू होता है, हो सकता है कि फीस आपने सबमिट करवाई हो और उनके रिकॉर्ड में ना हो। मोहसिन फारूक, प्रेजेंट, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर अली, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर, मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर, मुजयन, प्रेजेंट सर, नदीम, प्रेजेंट सर, निमरा खलील, प्रेजेंट सर, निमरा सिद्दीक, प्रेजेंट सर, नूर, यस सर, उसामा, प्रेजेंट सर, रमला मजहर, प्रेजेंट, रीदा, प्रेजेंट सर, रीदा ये नाम तो कुछ और ही शोर है सर, वो मैंने ना अपने कजन के फोन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा खराब था तो सोच। एहसन अब्बास आपका नाम शोर है रीदा।
सर मैं चेंज कर देती हूँ वो ठीक है रिदा अटेंडेंस मैंने लगा दिया आपकी रुमेशा नदीम ओके सर सबाकरम प्रेजेंट सर समियोल्ला प्रेजेंट सर सनासगर प्रेजेंट सर सोहा शहजाद प्रेजेंट सर सैयद ऑन रजा प्रेजेंट सर तस्कीन अहमद तस्कीन जैनब राहिल प्रेजेंट सर वो स्टूडेंट नाम चल रहे हैं जो इस क्लास में अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट है अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं अंसा याकूब बरीरा असलम मरियम महमूद सर मरियम प्रेजेंट है मरियम महमूद जी जी सर अच्छा मोहम्मद अफजल मोहम्मद हाशिर तस्कीर हमजा जावेद यस सर हमजा जावेद लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था हमजा जावेद जी सर लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था सब पढ़ा था तो क्या पढ़ा सर न्यूमेरिकल्स किए थे सिर्फ न्यूमेरिकल किए थे जी सर एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा था सर मोलर कॉलेज पढ़ा था बस और स्टैंडर्ड कंडीशन भी पढ़ी थी यस सर स्टैंडर्ड कंडीशन और मोलर वॉल्यूम भी किया था और न्यूमेरिकल्स किए थे बस तो अज़र जावेद मोलर वॉल्यूम होता क्या है जावेद जी अलीजा अलीसा आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मोहम्मद हसनैन अयाज मोहम्मद हसनैन यस सर जी हसनैन मोलर वॉल्यूम क्या होता है हसनैन मोलर वॉल्यूम खामोशी होती है यार पढ़ लिया करो आपका ही फायदा है वन मोल एवरी गैस कंटेन द सेम वॉल्यूम इट्स मोलर वॉल्यूम आपके पढ़ने से मुझे फायदा नहीं होगा आपको ही फायदा होगा मैं तो बल्कि आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ आप लोग लेक्चर को साथ साथ अगर पढ़ते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है
वरना ये चीजें जो है वो भूल जाती है। जी सोहा सर, अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब आवाज सर, मोलर वॉल्यूम इज मोलर मास ओवर मास डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? तो हाँ खदीजा सर, इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी का वॉल्यूम से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मास के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है सर मास का डेंसिटी से। और मोलर मास का कोई इफेक्ट होता है डेंसिटी पर? जी, अगर मोलर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डायरेक्ट रिलेशन है तो इफेक्ट डायरेक्ट होगा, और अगर मास डिक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगी। चलें, आज का आप लोगों का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास गैसेस का मिक्सचर है और आप लोग उस गैसेस के मिक्सचर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको आप लोग किस तरह कैलकुलेट करते हो, या आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि एक गैस की वजह से प्रेशर कौन सा है, दूसरी गैस की वजह से प्रेशर कौन सा है? जी अलीजा, सर आज क्विज नहीं था। आज क्विज था? कौन सा क्विज? सर जो चैप्टर बाकी रह गया था उसको था। सेकंड क्विज तो हो गया है। अलीजा वो तो लास्ट क्लास में हो गया है, जो नाइन्थ चैप्टर का बाकी पोर्शन रहता था उसका क्विज तो लास्ट क्लास में हो चुका है। जब भी आप लोग गैसेस को फिल करते हो किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, तो वो गैसेस जो हैं वाल के साथ, कंटेनर की वाल के साथ कोलिजन शो करती, और जिस वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स वाल के साथ कोलिजन शो करेंगी, इसका मतलब है कि वो प्रेशर को एग्जर्ट करेंगी, वो फोर्स लगाएंगी कि जिसकी वजह से वाल जो है कंटेनर की वाल ब्रेक हो सके, और इसी चीज को हम प्रेशर कहते हैं कि वो चीज प्रेशर जनरेट कर रही है और उस प्रेशर की वजह से गैस ये कोशिश कर रही है जिस कंटेनर के अंदर गैस को फिल किया हुआ है उसकी वाल को वो ब्रेक कर सके, लेकिन उनका प्रेशर कम होता है, इसी वजह से वाल का जो कंटेनर की वाल है वो ब्रेक नहीं होती है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में कंटेनर की वाल जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब जिस वक्त आप लोगों ने डिफरेंट गैसेस को मिक्सचर के अंदर कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है तो हर गैस की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, और वो प्रेशर डिपेंड करता है कि आपके पास जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कम है या ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर आप लोग सेम टेम्परेचर सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे, और जिस वक्त ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे इसका मतलब है कि उनकी वजह से कोलिजन भी ज्यादा फोर्स के साथ होगी, और जिस वक्त कोलिजन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि प्रेशर भी उस गैस की वजह से ज्यादा ही जनरेट होगा। इसके साथ जिस गैस की क्वांटिटी, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा होगी
उस गैस की वजह से भी नंबर ऑफ पोलियन इंक्रीज होंगी, और जिस वक्त नंबर ऑफ पोलियन इंक्रीज होंगी तो उस कंडीशन में उस गैस की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, और टोटल प्रेशर जो भी जो आप लोगों ने गैस को मिक्सअप किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसके साथ आर्गन गैस है, तीनों को चारों को मिक्स करते हो और एक कंटेनर में फिल कर देते हो। अब ये चारों गैसेस जो हैं वो वाल के साथ, कंटेनर के वाल के साथ कोलिजन करती हैं, और कोलिजन करने पर प्रेशर को जनरेट करती हैं। अब नाइट्रोजन गैस जो है उसकी वजह से भी प्रेशर है, आर्गन गैस जो है उसकी वजह से भी प्रेशर है, ऑक्सीजन गैस की वजह से भी प्रेशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से भी प्रेशर है। और जिस वक्त हम टोटल प्रेशर को काउंट करते हैं तो टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है वो हर गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसके सम के इक्वल होगा, यानी कि नाइट्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको ऐड करते हैं, आर्गन गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको भी ऐड करते हैं, और ऑक्सीजन गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको भी ऐड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर हासिल होगा। इसका मतलब है हर गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है अगर उनको हम सम करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर हासिल होता है, और इसको हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी तो उस कंडीशन में प्रेशर कम जनरेट होगा। इसी तरह अगर आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर कम जनरेट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूल का वॉल से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज होती है, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होंगी तो उस कंडीशन में प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हर गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और टोटल प्रेशर उन जितने भी पार्शियल प्रेशर मौजूद हैं उन टोटल प्रेशर का सम को हम टोटल प्रेशर कहते हैं, यानी कि जितने भी पार्शियल प्रेशर मौजूद हैं, जितनी गैसेस मौजूद हैं उनकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उन प्रेशर का सम जो है टोटल प्रेशर कहलाता है, और इसी को हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और ये पार्शियल प्रेशर जो है वो गैस के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास ए और बी दो गैस, अब ए गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पी ए से इंडिकेट करते हैं, और गैस बी की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पी बी से शो करते हैं। ठीक है, ए गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पी ए से इंडिकेट करते हैं, और गैस बी की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पी बी कहते हैं। अब हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी जिसके मुताबिक
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अब नंबर क्यों, यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि जो गैस के मालिक्यूल है जिस भी कंटेनर में आप लोगों ने फिल किए हुए हैं उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना ही टेम्परेचर चेंज होगा। सिर्फ चेंज क्या हो सकते हैं, गैस की अमाउंट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसके साथ गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हर गैस की वजह से सेम प्रेशर तो जनरेट नहीं होगा और ना ही नंबर ऑफ मोल्स सभी गैसेस का सेम होगा। इसी वजह से ये जो दो वेरिएबल हैं यानी कि पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, उनको हम इंडिकेट करने के लिए गैसेस के नाम के साथ यानी कि प्रेशर के साथ गैस का नाम गैस ए लिखा है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी गैस का साथ में नाम लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स एन ए। इसी तरह दूसरी गैस के लिए जो पार्शियल प्रेशर है उसको हमने पी बी से इंडिकेट किया है और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस पी के उसको हमने इंडिकेट किया है एन बी से, और इन पर हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया है जो लास्ट टाइम आप लोगों ने स्टडी की थी जिसके मुताबिक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय बी। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो आप लोगों ने डिफरेंट गैसेस को सेम कंटेनर में फिल किया हुआ है, अब उन गैसेस का वॉल्यूम सेम है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू है। इसके साथ जिस कंटेनर में आप लोगों ने गैसेस को फिल किया हुआ है उसका टेम्परेचर भी सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। और आर को आप लोगों को पता है कि ये जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी तो ऑलरेडी वैल्यू फिक्स है, तो चेंज क्या हो सकते हैं, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, इसके साथ गैस के जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो सकता है, जो गैस ए और गैस बी है इनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी वजह से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसी वजह से पार्शियल प्रेशर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने गैस का नाम साथ में लिखा है। अब हम दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि हमने टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है और डाल्टन्स के लॉ के मुताबिक टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए है प्लस पी बी है। अगर हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू को हमें पता है तो उस कंडीशन में हमारे पास पी टोटल जो है वो इक्वल होगी पी ए यानी कि पार्शियल प्रेशर जो गैस ए की वजह से जनरेट होता है प्लस पार्शियल प्रेशर जो गैस बी की वजह से जनरेट होता है। अब हमें इस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू नाउन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की जो वैल्यू है वो एन ए इनटू आर टी है डिवाइडेड बाय बी, और पी बी की जो वैल्यू है वो एन बी आर टी डिवाइडेड बाय बी है। अब इन दोनों में से बी कॉमन आ सकता है
आर की वैल्यू कॉमन आ सकती है और टेम्परेचर की वैल्यू कॉमन है। अगर हम इन तीनों को कॉमन निकालते हैं तो आप लोगों के पास यही इक्वेशन हासिल होगी, एन ए प्लस एन बी इन टू आर टी डिवाइडेड बाय बी। एन ए और एन बी जो है वो टोटल प्रेशर है, जितने भी गैसेस मौजूद हैं उन सॉरी एन ए और एन बी जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कंटेनर के अंदर मौजूद है। जी हसनैन सर, अगर गैस ए और बी के जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो तो फिर कॉमन कैसे लेंगे? फिर हम इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि उस कंडीशन में ये चीज चेंज होगी, तो चेंज जिस वक्त जो भी पैरामीटर चेंज होगा उसको हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी। इनको हम कॉमन उसी वक्त ले सकते हैं जिस वक्त इनकी वैल्यू फिक्स होंगी, सेम होंगी, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले सकते। ओके सर। क्योंकि हम जिस वक्त इसको परफॉर्म कर रहे हैं उनका कंटेनर यानी के सेम कंटेनर में गैसेज को फिल किया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे और उस कंटेनर का टेम्परेचर भी फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा, और इसी वजह से हम इनको कॉमन लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। और अगर आप लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसको कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एन ए नंबर ऑफ मोल गैस ए के हैं, एन बी जो है वो इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी को, और जिस वक्त इन दोनों को सम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं जितने भी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं कंटेनर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आर टी ओवर वी, इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर टी ओवर वी के। इस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर जो है टोटल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, और इसके साथ जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर की वैल्यू कम होगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर वॉल्यूम का दोबारा बताएं एंड वाला। वॉल्यूम का टोटल प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये जो टोटल प्रेशर जनरेट हो रहा है गैसेस की वजह से इसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, और किस तरह इनवर्स रिलेशन है ये हमने अगली स्लाइड में चेक भी करना है। जिस वक्त हम प्रेशर वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर इंक्रीज किस तरह होता है, ये आपके पास सर ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना? सॉरी सर ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं ना। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें चार बॉयल्स लॉ तो एप्लीकेबल नहीं है ना, कि वॉल्यूम का और उसका इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम का और प्रेशर का। दो चीजें हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर उसको हम कंसीडर करते हैं उसके लिए, लेकिन वो भी एप्लीकेबल है इसमें,
जिस वक्त आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ओके सर। अब नेक्स्ट स्लाइड आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है जिस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को आप लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है। ओके सर। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि जिस वक्त आप लोगों के लंग्स के अंदर गैस की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू किस तरह इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल सी लेवल पर आपके जो लंग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी है वो शो की हुई है। तो जिस वक्त आप लोग सी लेवल यानी कि जमीन के लेवल पर खड़े होते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आप लोगों के लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी और नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो शो की हुई है, और उस कंडीशन में जो प्रेशर है जो जनरेट होता है नाइट्रोजन गैस की वजह से और ऑक्सीजन गैस की वजह से, क्योंकि आप लोगों के लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर मौजूद होंगे उनकी वजह से ही प्रेशर जनरेट होगा, और नाइट्रोजन गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू 0.78 एटीएम है, और ऑक्सीजन गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है आप लोगों के लंग्स के अंदर वो 0.21 एटीएम है। ये सी लेवल पर है। अगर आप लोग समुद्र के अंदर जाते हो गहराई में जाते हो और उसकी हाइट भी उसने दी हुई है कि अगर आप लोग 30 मीटर तक नीचे जाते हो तो उस कंडीशन में टोटल प्रेशर जो है वो 1 से इंक्रीज होकर 4 एटीएम में शिफ्ट हो जाता है। अब टोटल प्रेशर 4 है। अब ये टोटल प्रेशर जो है वो सम है नाइट्रोजन गैस का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर। अब इस लेवल पर 30 मीटर पर नाइट्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर आप लोगों के लंग्स के अंदर जनरेट होता है उसकी वैल्यू 3.12 एटीएम होती है, और ऑक्सीजन गैस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू 0.84 एटीएम होती है। अब इस प्रेशर की वैल्यू क्योंकि काफी ज्यादा है इसका मतलब है कि इस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस ने किसी साइड पर शिफ्ट होना है, चाहे वो आप लोगों के लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स जो सॉरी वेंस होती हैं उनके अंदर भी प्रेशर होता है क्योंकि वहां पर भी लिक्विड और जो है वो फ्लो कर रही होता है, इसका मतलब है उसके अंदर भी प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर इस प्रेशर से कम होगा तो उस कंडीशन में यही नाइट्रोजन गैस जो है आप लोगों की वेंस में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जिस साइड पर भी नाइट्रोजन गैस को महसूस होगा कि इधर प्रेशर कम है तो नाइट्रोजन गैस ने उस साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाना, और जिस वक्त नाइट्रोजन गैस लंग्स से वेंस में शिफ्ट होंगी या आप लोगों को किसी और जगह पर बॉडी में शिफ्ट होती है तो उस कंडीशन में नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लंग्स का और एटमॉस्फेयर जो है अगर वो वैल्यू ज्यादा होती है और वो डिपेंड करती है कि गैस की मिकदार कितनी है, अगर गैस की मिकदार ज्यादा होगी तो उसका मतलब है कि उसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा, और आप लोगों को ये पता है कि अगर एक साइड पर प्रेशर ज्यादा हो और दूसरी साइड पर प्रेशर कम हो तो ज्यादा प्रेशर वाली साइड से गैसेज ने लो प्रेशर वाली साइड पर मूव करना शुरू कर देना, और उसी चीज की वजह से ज्यादा प्रेशर होने की वजह से आप लोगों के बॉडी को नुकसान होता है। सर जो कई करंट सिचुएशन है कोविड के लंग्स में चला जाए तो हार्मफुल है। हाँ ये कह सकते हो।
अब तो कोविड का है ना, कोरोना जो है वो अगर लंग्स में चला जाता है तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये भी हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि उसका कोई ना कोई, अभी तक ये तो कंफर्म नहीं है उसका अफेक्ट किस तरह हो रहा है, यानी कि उसका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या उसका कोई प्रेशर की वजह से यानी कि अफेक्ट हो रहा है या क्या सीन है, क्योंकि इस पर तो अभी रिसर्च हो रही है कि उसका मेथड क्या है जिसकी वजह से लंग्स पर उसका अफेक्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है उसकी वजह से जो है प्रेशर ज्यादा जनरेट होता हो और उसकी वजह से कोरोना जो है वो शिफ्ट होता हो, या कोई केमिकल रिएक्शन करता हो और उसकी वजह से आप लोगों के लंग्स जो है वो खराब होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है, रिसर्च होकर जो भी रिजल्ट सामने आते हैं फिर वो सभी के सामने ही आ जाते हैं। वैसे दुआ करें कि जल्दी से कोविड जो है वो खत्म हो जाए, आमीन सर, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं, और उस मैथमेटिकल डेरिवेशन के कुछ पॉइंट होते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि हमने ये चीज माइंड में रखनी है और उनको यूज करके फर्दर जो कैलकुलेशन करनी है उसको हम इसी पॉइंट को अप्लाई करना है उन कैलकुलेशन के दौरान। और उसमें पॉइंट्स क्या हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि एक ही एटम पर कंसिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो दो एटम पर कंसिस्ट करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो दो से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करती हैं। अब जिस तरह हीलियम, नियोन यानी कि नोबल गैसेस जो हैं वो मोनोएटॉमिक, और वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनकी वजह से अलहदा से प्रेशर एग्जर्ट होगा। और कुछ जो है वो डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और उनका डाईएटॉमिक फॉर्म में ही मॉलिक्यूल कोलिजन शो करेंगे और उसी वजह से आपके पास प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। इसके साथ इसका सेकंड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन जो है एक दूसरे के साथ ना होने के बराबर। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते हैं, और जिस वक्त वो अपनी मर्जी से रेंडमली मूवमेंट शो करते हैं तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी टकराते हैं, और इसके साथ जो कंटेनर है जिसके अंदर आप लोगों ने गैस को फिल किया हुआ है उसकी वाल के साथ भी टकराते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराए हैं, टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो वाल के साथ टकराए हैं, टकराने के बाद इसके रूट जो है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में गैस को फिल किया हुआ है उसके वाल के साथ भी टकराते हैं, और जिस वक्त वो टकराते हैं टकराने के बाद वो अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं, और इनकी ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक मीन कि इस कोलिजन के दौरान ना ही उनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती है और ना ही उनका मोमेंटम, मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जिसमें वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान लार्ज स्पेस होती है, उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है,
जिस तरह इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है, इसी तरह इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर हम इसके एक्चुअल वॉल्यूम को इसके गिवन वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है गिवन वॉल्यूम से। गिवन वॉल्यूम के जितने वॉल्यूम को ये एक्चुअल में ऑक्यूपाई कर सकती है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास इतना वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये सारा वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में एक्चुअल में हो सकता है इनका वॉल्यूम सिर्फ इतना सा हो। अब ये वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा है और एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, इसलिए कम वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होता है गिवन वॉल्यूम से, तो इसलिए हम इस गैसेस के एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो गैसेस का वॉल्यूम है एक्चुअल में वो नेग्लिजिबल होता है। अगर आप लोग गैसेस को एक रूम प्रोवाइड करते हो तो गैस जो है एक रूम में भी स्प्रेड हो जाती है, अगर आप लोग एक बॉक्स में क्लोज करते हो तो वही गैसेस जो है एक बॉक्स के अंदर भी फिट आ जाती है, और अगर आप लोग और भी उसका वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में वो गैसेस उतनी ही अमाउंट की गैसेस जो है स्मॉल वॉल्यूम में भी आ सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम गैसेस का जो है वो गिवन वॉल्यूम से जिस वक्त कंपेयर करते हैं तो उसके वॉल्यूम की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि जितना आप लोग टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ही गैसेस का वॉल्यूम जो है वो भी उसी रेशियो के साथ चेंज होगा। अगर आप लोग वॉल्यूम टेम्परेचर को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और किस तरह इंक्रीज होगा, बेसिकली जब भी आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे तो उस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कोलिजन की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सर? जी सर, अभी पीछे आपने कहा था कि जो टोटल वो प्रेशर होगा उसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। जी साहब, सर अभी पीछे आपने कहा था कि जो टोटल प्रेशर होगा उसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। हाँ, इनवर्स रिलेशन है। तो सर अभी आपने कहा कि अगर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा एक्सटर्नल प्रेशर से तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल ये गैस की वजह से प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और उसी की वजह से वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरनल प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन ही बन रहा वॉल्यूम से, इंटरनल प्रेशर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट डिपेंड करता है कि आप लोग टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन कर रहे हो,
अगर आप लोग टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हो, क्योंकि जब भी आप लोग एक पैरामीटर को स्टडी करते हो तो उसके लिए लाजमी होता है कि आप लोगों ने दूसरे पैरामीटर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप लोग एक साथ दूसरे पैरामीटर को भी चेंज करते हो तो उस कंडीशन में इसमें अफेक्ट आता है। यहाँ पर जो आप लोग स्टडी कर रहे हो ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, और टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आता है उसका अफेक्ट है। अगर आप लोग डायरेक्ट वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में जो अफेक्ट आता है वो इनवर्स है। अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो उसकी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, इंटरनल प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लोग डायरेक्ट वॉल्यूम और इंटरनल प्रेशर का अफेक्ट देखते हो तो उस कंडीशन में इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। साथ ये चीज समझ आ रही है यार? सर आप ही समझ, अब से आप ही समझ। यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे हैं वो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिस वक्त इंटरनल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी और साथ में साथ इसमें ये भी कंपलसरी होता है कि वाकई एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम है या ज्यादा है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को कम करते हो उस कंडीशन में भी इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर इंटरनल प्रेशर की वैल्यू उस कंडीशन में भी ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, कम है या ज्यादा है। क्योंकि वॉल्यूम को डिक्रीज किया है तो जाहिर है एक्सटर्नल प्रेशर कम, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा ही होगी, तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, लेकिन उसके साथ इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है साहब? यस सर। इसके साथ वो कहता है कि गैस के कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं होती, ना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अगर आप लोग इसका वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में, उस वॉल्यूम में भी गैस का जो है वो आसानी से आ सकते हैं। अगर डिफरेंट वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करते हो तो उसमें भी गैस जो है वो स्प्रेड हो जाती है। अब गैसेस को हम कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है मॉलिक्यूल जिस वक्त एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसका मतलब है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा, और जिस वक्त डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है कि इसका वाल के साथ डिस्टेंस भी कम होगा। अब जिस वक्त वाल के साथ इन मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है कि इन्होंने, मॉलिक्यूल्स ने इस वाल के साथ कोलिजन ज्यादा शो करनी है। अब जिस वक्त वॉल्यूम, सॉरी जिस वक्त ज्यादा कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब हालांकि यहाँ पर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, अब जिस वक्त वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, वाल के भी ज्यादा करीब हैं, तो इसका मतलब है कि यह मॉलिक्यूल जो हैं वो वाल के साथ ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, और जिस वक्त ये ज्यादा कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी इसके साथ इंक्रीज हो रही है। जितना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है उसके साथ इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि उस कंडीशन में इनकी नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है इंटरनल प्रेशर से, इसी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज क्लियर है?
सर जब ये करीब आए हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम हुआ तो कोलिजंस कम नहीं होंगी क्योंकि इनमें रैंडमनेस रहेगी ना फिर कोलिजन कम होंगी यस सर रैंडमनेस नहीं ना रही वो आगे पीछे इतना ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे आपस में भी कोलिजंस नहीं होंगे इतने कोलिजन तो तब भी होंगी जितना डिस्टेंस कम होगा तो कंडीशन में एक दूसरे के साथ तो टकराएंगे वो कोलिजन तो उस वक्त यानी के चांस कम होंगे अगर आप लोग इसकी एनर्जी को रिमूव करोगे तब अगर आप लोग इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी को कम नहीं कर रहे और उनको एक दूसरे को करीब लेकर आते हो तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी तो उतनी ही है और उसी स्पीड के साथ वो मूव कर रही है इसका मतलब है उसी स्पीड के साथ वो मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगी मॉलिक्यूल के साथ भी टकराएंगी वॉल के साथ भी टकराएंगी अब पहले सपोज जो है ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके उसके बाद वॉल के साथ टकराता है सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक टकराने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 मिनट लगते हैं ये सपोज हम कर रहे हैं अब जिस वक्त ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं उसी वजह से इनका जो टकराने का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो चुका है और जिस वक्त ये डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि ये कम टाइम में ज्यादा कोलिजन शो करेंगी और जिस वक्त ये कम टाइम में ज्यादा कोलिजन शो करेंगी इसका मतलब है कि इसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा इसका सिंपली एग्जांपल ये है अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में एक क्विज है आप लोगों ने कहना चलो ठीक है एक क्विज का सिलेबस कम है तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे ठीक है अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में फाइनल पेपर है और सिलेबस भी आप लोगों का टोटल है शामिल है उसमें तो उस कंडीशन में बेसिकली प्रेशर आप लोगों पर यानी कि आप लोगों का टाइम मैं कम कर रहा हूं यानी कि वॉल्यूम को मैं कम कर रहा हूं लेकिन आप लोगों का प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप लोगों पर बर्डन ज्यादा हो रहा है और जिस वक्त आप लोगों पर मैं बर्डन ज्यादा दे रहा हूँ तो आप लोगों ने भी आगे से जवाब देना शुरू कर देना कि सर इतना ज्यादा सिलेबस है हम इसकी तैयारी नहीं कर सकते हमने फाइनल पेपर अभी नहीं देना हमने लेट करना है हमने ये करना है हमने वो करना है इसी तरह है ना यस सर इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप लोग इसके वॉल्यूम को कम करते जाते हो तो उसके साथ इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है और एक लेवल तक ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं अगर आप लोग उस प्रेशर को उससे भी ज्यादा जो है वो इंक्रीज करते हो तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इन वाल को ब्रेक कर देते हैं क्योंकि उनकी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो जाती है सर एक और क्वेश्चन है जी सर सर जब इनको कंप्रेस करेंगे आप कह रहे हैं इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वो स्ट्राइक ज्यादा करेंगे लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं डेवलप होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस वक्त ज्यादा प्रोड्यूस होंगी जिस वक्त आप लोग इसकी एनर्जी को कम करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होंगी लेकिन कम जनरेट होंगी अगर आप लोग इसके साथ वॉल्यूम को डिक्रीज करने के साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी को या टेम्परेचर को साथ में लो करते हो तो उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा जनरेट होंगे अफेक्ट करने में यानी कि कम जनरेट होने में और ज्यादा जनरेट होने में अच्छा खासा डिफरेंस है एक चीज होती है कि आप लोग लेसन को रफली पढ़ लेते हो आप लोगों ने कहा कि हमने पढ़ लिया है और एक होता है कि आप लोग उसी लेसन को हर पॉइंट को केयरफुली पढ़ते हो और उसको अंडरस्टैंड करते हो अब दोनों का तरीका तो वही है आप लोगों ने पढ़ना है पढ़ लिया है लेकिन एक ने कुछ सीखा है और दूसरे ने जस्ट रफली पढ़ा है दोनों में डिफरेंस तो है इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन ज्यादा जनरेट होंगे
और अगर आप लोग इसमें से टेम्परेचर या इनकी काइनेटिक एनर्जी को रिमूव नहीं करते तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन जनरेट होती है लेकिन बहुत कम जनरेट होती है। ठीक है? यस सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। इसके साथ जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम ज्यादा रखते हो तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे इसका मतलब है कि उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में उनके डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, यानी कि मॉलिक्यूल को आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर हम उनका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे इसका मतलब है उनका दरमियान से स्पेस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, और जिस वक्त स्पेस डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनके डेंसिटी की वैल्यू जो है वो इनक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली डेंसिटी जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्या जो आप लोगों के गैस की वजह से इंटरनल जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करती है कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू कम है या ज्यादा है। अगर इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हो तो वो बियर कर जाती है, यानी कि वॉल्यूम उसका डिक्रीज नहीं होता, और इसी चीज को हम कहते हैं कि उस गैस की डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोग उसी सेम वॉल्यूम सॉरी सेम प्रेशर को अप्लाई करते हो और उसकी वजह से अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। इसका मतलब है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में डेंसिटी कम होगी, और अगर स्पेस मॉलिक्यूल के दरमियान कम होगी तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है? इसके बाद बॉयज ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, ये चीज आप लोगों ने पढ़ ली है, इनका इफेक्ट किस तरह होता है। डाल्टन ला पार्शल मारवा, इसको म्यूट करो माइक को। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो इक्वल होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के, यानी अगर फोर्स जो है वो ज्यादा होगी इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फोर्स कम है इसका मतलब है कि प्रेशर की वैल्यू कम है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि फोर्स किस पर डिपेंड करती है, अजवा अजवा मनाल अजवा मनाल अलीजा बशारत सर जी सर मैस फॉर एक्सेलरेशन पे एफ इज इक्वल टू एम में होता है सर, और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। हमें नेट नहीं चल रहा कोलियंस पे, वेलोसिटी ओवर टाइम। इधर नेट नहीं चल रहा, उधर से सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे भाई, नहीं चल रहा आपका। यो सॉरी, अजय आपका नेट चल रहा है।
आप लोगों ने देखा था कि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर या डिस्प्लेसमेंट पर। तो सर फोर्स पे नंबर ऑफ कोलियंस का कोई फर्क होता है? फर्क होता है तो जिस वक्त वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट करेगी मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा, यानी के ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब है कि उनकी स्पीड ज्यादा है। और जिस वक्त जो भी चीज जितनी ज्यादा स्पीड के साथ बॉल के साथ टकराएगी, इसका मतलब है कि उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, और जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी इसका मतलब है कि उसकी वजह से उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। अगर वेलोसिटी कम है इसका मतलब है कि उस कंडीशन में वो कम फोर्स अप्लाई करेगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है मॉलिक्यूल तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कम फोर्स अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी या उसकी मूवमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर के असर जरिए, क्योंकि उसकी मूवमेंट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है ना, और काइनेटिक एनर्जी को हम बेसिकली टेम्परेचर की मदद से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो रही है, और ज्यादा स्पीड होने का मतलब है तो वो ज्यादा फोर्स के साथ कोलियन शो करेगी, और जो जितनी ज्यादा फोर्स के साथ कोलियन शो करेगी इसका मतलब है कि उस गैस की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू कम है तो कम प्रेशर जनरेट होगा, अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अब टोटल फोर्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है वो फोर्स के साथ कोलियन कितनी करता है, कि एक मर्तबा कोलियन करता है या दो मर्तबा कोलियन करता है या तीन मर्तबा कोलियन करता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने फोर्स तो सेम ही अप्लाई करनी है लेकिन कोलियन को वो कम या ज्यादा कर सकता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम वॉल्यूम को डिक्रीज करके चेक किया था कि जिस वक्त वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल कोलियन ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके फोर्स तो सेम होंगे, वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब है कि फोर्स के साथ हमें, हमारे पास नंबर ऑफ कोलियन का भी पता होना चाहिए। तो जिस वक्त फोर्स के साथ नंबर ऑफ कोलियन ज्यादा इंक्रीज होंगी तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, और अगर नंबर ऑफ कोलियन कम होंगी तो उस कंडीशन में प्रेशर कम जनरेट होगा। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब है प्रेशर जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ मॉलिक्यूल कोलियन कर रहे हैं, इसके साथ नंबर ऑफ कोलियन कितनी कर रहे हैं। ये दोनों चीज, दोनों पैरामीटर जो है वो प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ज्यादा फोर्स के साथ कोलियन कर रहे हैं तो तब भी प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त वो नंबर ऑफ कोलियन ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये चीज क्लियर है? यस सर। क्योंकि जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते हो बेसिकली मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम करते हो, और जिस वक्त डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल के साथ ज्यादा कोलियन शो करते हैं, और जिस वक्त वो कोलियन ज्यादा शो करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसकी काइनेटिक, सॉरी,
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो सेम है, उसको तो हमने डिक्रीज नहीं किया है, यानी जितनी वेलोसिटी के साथ वो पहले मूव कर रहे थे बाद में भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कोलिजन को ज्यादा करते हैं, और जिस वक्त वो नंबर ऑफ कोलिजन को ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके साथ वो कहता है कि आप लोगों के पास जो प्रेशर है, जो फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास प्रेशर जनरेट होता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, यानी के कंसेंट्रेशन के। अगर आप लोग गैस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज्यादा करते हो तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, ज्यादा कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। इसके साथ एरिया जो है, एरिया कम है या ज्यादा है उस पर भी टोटल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि इस फोर्स का इस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इस एरिया का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये चीज क्लियर है? और आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि लेक्चर का भी टाइम हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर वो वाली स्लाइड खोलो दोबारा जो भी आपने खोली थी। ये यस सर, इसमें जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है F1 कोलिजन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। सर ये मास इनटू वेलोसिटी ओवर टाइम तो एक्सेलरेशन है ना, तो ये 2 किधर से आया सर फोर्थ पॉइंट में? ये 2 सर ने लिखा हुआ है। Yes, sir, ये 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप लोग कोलिजन शो करते हो, जिस तरह कहां चला गया है ये मॉलिक्यूल है, अब इसने कोलिजन करनी है यहां से लेकर यहां पर टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद फिर दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। अब यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी को हम एक का नाम दे रहे हैं, और यहां से वापस आने का जो है वो 2 का नाम दे रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन में जाने और आने के दोनों को उसने सम करके लिखा हुआ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि उस कंडीशन में इसके 2 वेलोसिटी हैं और दोनों को उन्होंने सम करके फिर इसकी कैलकुलेशन की है। अब इसी आप लोगों के इस जो PC2 का कोर्स है इसमें इसकी डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होती है, और उसकी कंप्लीट डेरिवेशन आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करनी है। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को इसका जो पॉइंट है और इसका जो रिजल्ट आता है वही आप लोगों को बताया जाएगा। पॉइंट तो आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको साथ में बताया जाएगा। बाकी कंप्लीट इसकी डेरिवेशन जो है वो आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करनी है, ठीक है जी सर, थैंक यू। और आज के अटेंडेंस में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने लेट ज्वाइन किया हो? मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद अफजल की हो गई है, इसके साथ बरीरा असलम की भी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके अलावा कोई और है? सर हाशिर है, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर की भी अटेंडेंस हो चुकी है। तस्कीन की भी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके अलावा कोई और है स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस अभी तक नहीं हुई? अंसा याकूब आज की क्लास में एब्सेंट है।
जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सैयद। सर लास्ट टाइम जो क्विज हुआ था तो वो थोड़ा लेट मैंने आपको मेल किया था, फैमिली में डेथ हो गई थी, मैंने आपको इशू भी बताया था उसमें मेल में, काइंडली आप अगर एक्सेप्ट कर ले तो। सर मैंने उसमें इनके मेल में बताया आपको, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया उसका। नो सर आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं वेट कर रहा था, एक दो दिन मैंने वेट किया लेकिन। सैयद ये ना हो कि आपने किसी और को मेल कर दी हो। सर आपको ही किया, आपकी आईडी पे ही किया। क्या आईडी है? मोहम्मद आरिफ सर, जिससे हमें लिंक आता है उसी पे। क्योंकि मोहम्मद आरिफ के नाम से इस यूनिवर्सिटी में तीन जो हैं वो फैकल्टी मेंबर हैं और उनके आईडी में स्लाइटली डिफरेंट है। सर आपकी पिक्चर लगी हुई है। चले ठीक है सैयद, मैं देख लेता हूँ। चले थैंक यू सो मच सर। जब आप लोग लीव कर सकते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।